आप देख रहे हैं मायापुरी कट, मैं हूं आपके साथ सृष्टि और स्वागत है आपका इंडियन फिल्मी एक्सप्रेस पर, जहां पर हम आप तक सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा से जुड़ी सारी अपडेट्स पहुंचाते हैं। सो लेट्स बिगिन। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कैटरीना कैफ इन दिनों अपनी रिसेंट रिलीज फिल्म फोन बूथ को लेकर सुर्खियों का हिस्सा है, जिसमें उनके साथ अशांत खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी भी नजर आए हैं। हाल ही में तीनों अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए द कपिल शर्मा शो पर पहुंचे, जहां पर कैटरीना ने अपनी शादी के एक झगड़े का जिक्र किया। कैटरीना की शादी के बारे में बात करते हुए कपिल शर्मा ने उनसे पूछा कि आपकी इतनी सारी बहनें हैं, आपकी शादी में जूते चुराई की रस्में हुई थी? इस सवाल का जवाब देते हुए कैटरीना ने कहा कि बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, उस समय झगड़े की आवाजें आ रही थी तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दिखा कि इजाबेल और विकी के दो तीन दोस्त एक दूसरे से जूते छीन रहे थे। आज 8 नवंबर को देश में गुरु नानक जयंती मनाई जा रही है, वहीं इस मौके पर बॉलीवुड एक्ट्रेस निमृत कौर गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए पहुंची थी। उन्होंने स्काई ब्लू कलर का कुर्ता सेट पहना था और दुपट्टे को सिर पर ओढ़ा हुआ था, जो उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। वहीं एक्ट्रेस गुरुद्वारे में जाने से पहले पेपराजी को पोज भी दे रही थी और गुरु पर्व की बधाइयां भी दे रही थी। अल्लू अर्जुन, फहाद फासिल और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा द राइज का जलवा आज भी कायम है। इस फिल्म के डायलॉग्स आज भी हर किसी की जुबान पर है। कोरोना काल के बाद ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग सिनेमा घर पहुंचे थे। अब अल्लू अर्जुन की इस फिल्म से जुड़ी एक नई अपडेट सामने आ रही है। इंडिया में धमाल मचाने के बाद अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा द राइज अब रशिया में रिलीज होने वाली है। ये फिल्म रशिया में दिसंबर में रिलीज हो जाएगी। इन दिनों समांथा रूथ प्रभु अपनी फिल्म यशोदा का प्रमोशन कर रही हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपनी तबीयत के बारे में जानकारी देते हुए एक्ट्रेस इमोशनल हो गई थी। इस दौरान एक्ट्रेस ने बताया कि फिलहाल वो जान के खतरे वाले स्टेज पर नहीं पहुंची है, इसीलिए उनकी हेल्थ को बढ़ा चढ़ाकर ना बताया जाए। इंटरव्यू के दौरान समांथा ने कहा, जैसा कि मैंने अपने पोस्ट में कहा था कि कुछ दिन अच्छे होते हैं तो कुछ दिन बुरे, किसी किसी दिन मुझे लगता है कि अगर मैं एक कदम भी बढ़ाऊंगी तो ये मुश्किल होगा, लेकिन जब मैं पीछे देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं इन सब चीजों से गुजरी हूँ और यहाँ तक आई हूँ, मैं यहाँ लड़ने के लिए आई हूँ। लेट पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का आखिरी गाना वार रिलीज हो चुका है। आज ही रिलीज हुए इस गाने को लेकर उनके फैंस में भी जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है और इसे काफी ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं। सिंगर के इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट शेयर कर उनके गाने वार की रिलीज डेट का ऐलान किया गया था, जिसके बाद से ही फैंस को इस सॉन्ग का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। रिसेंटली पंजाबी एक्ट्रेस शहनाज गिल ने अपने फैंस को सरप्राइज कर दिया जब उनकी तस्वीर फेमस पंजाबी सॉन्ग लिरिसिस्ट जानी के साथ सामने आई। तस्वीर में जानी को गिटार बजाते और शहनाज को गुनगुनाते हुए देखा जा सकता है। अब क्या ये दोनों स्टार्स साथ में कोलैब कर रहे हैं, ये तो देखना रहेगा। लेकिन ये तस्वीर देखने के बाद आपको क्या लगता है, ये बात हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बीजेपी के सांसद और एक्टर रवि किशन अब एक पैन इंडिया फिल्म लेकर आ रहे हैं, जो मूल रूप से भोजपुरी भाषा में बनाई जा रही है। रवि ने फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया है। पोस्टर पर रवि साधु के गेटअप में हाथ में त्रिशूल थामे नजर आ रहे हैं, पास में नदी को दिखाया गया है। फिल्म का शीर्षक महादेव का गोरखपुर है। ये भोजपुरी फिल्म हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा भाषाओं में भी 2023 में रिलीज होगी। इंस्टाग्राम पर मोशन पोस्टर शेयर करते हुए रवि ने लिखा, भोजपुरी से अपनी पहली पैन इंडिया फिल्म जो 6 भाषाओं में रिलीज होगी। फर्स्ट लुक मोशन पोस्टर शेयर करके बहुत खुशी हो रही है, आपका सपोर्ट और आशीर्वाद चाहिए, हर हर महादेव। नेहा मलिक भोजपुरी की सुपर हॉट एक्ट्रेसेस में से एक है। वो अक्सर अपने फैशन सेंस को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। उनकी तस्वीरें आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल हो ही जाती हैं और एक बार फिर नेहा ने अपनी अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। दरअसल नेहा मलिक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें अपने फैंस के साथ शेयर की हैं। इन तस्वीरों में नेहा व्हाइट कलर की वन शोल्डर बॉडीकॉन ड्रेस पहने नजर आ रही हैं। अब नेहा का ये लुक आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और देखते रहिए इंडियन फिल्मी एक्सप्रेस एवरी मंडे टू सैटरडे एट 8 PM ओनली ऑन मायापुरी कट।